रुक कर लेते हैं उज्जैन का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी, जीआरपी थाने में शिकायत के लिए पहुंची मां। पुलिस ने नहीं लिखी बच्चा चोरी की रिपोर्ट, 2 साल के बच्चे को युवक ने किया अगवा, बच्चे को ले जाते फुटेज मिला। फुटेज मिलने के बाद दूसरे दिन पुलिस ने लिखी रिपोर्ट, 28 घंटे बाद भी अब तक नहीं मिला बच्चा। बड़ी खबर उज्जैन से इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मां पहले पुलिस को रिपोर्ट कराने गई थी तो वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। उसके बाद जब फुटेज मिला, तस्वीरें सामने आई, उसके बाद रिपोर्ट लिखी गई है। आपको बता दें 28 घंटे बाद भी अभी तक बच्चा नहीं मिला है। बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, बच्चा चोरी की खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी की खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जीआरपी थाने में शिकायत के लिए पहुंची मां, लेकिन पुलिस वालों ने यहां पर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 2 साल के बच्चे की यहाँ पर चोरी का मामला सामने आया है, बच्चे को ले जाते हुए फुटेज भी मिला है। उसके बाद फुटेज मिलने के दूसरे दिन बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है। फिलहाल 28 घंटे हो चुके हैं और बच्चे का अब तक कुछ भी पता नहीं है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उज्जैन से, आपको बता दें उज्जैन रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी की वारदात सामने आई है, जहां जीआरपी थाने में शिकायत के लिए मां पहुंची थी, पुलिस ने फिर भी शिकायत नहीं लिखी और बच्चा चोरी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की है। 2 साल के बच्चे को युवक लेकर उठा ले गया, जिसका जब फुटेज सामने आया उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें फिलहाल 28 घंटे बीत चुके हैं और कोई भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उज्जैन से हमारे साथ ही राहुल यादव जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या है पूरा मामला, क्या अब तक कुछ भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बच्चा चोरी करने वाला कौन था, और आखिर शिकायत क्यों नहीं लिखी गई जब माँ पहले पहुंची थी, उसके लिए इंतजार क्यों करना पड़ा उसे 24 घंटे का, उसके बाद शिकायत क्यों लिखी गई? जी देखिए, उज्जैन के बागपुरा में रहने वाली जो महिला है, अपने पति से विवाद होने के बाद अपने बच्चे को लेकर भोपाल जाने के लिए निकली थी। तभी जब ट्रेन का इंतजार कर रही थी तो जब ये महिला दूध की बोतल धोने गई, तभी उसके बच्चे को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। पुलिस इस मामले में जो है छानबीन कर रही है। अभी 28 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब महिला ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस विश्वास नहीं कर रही थी महिला की बात का, जिसके बाद जो है आसपास के जो परिजन हैं और अन्य जो लोग थे, उन्होंने महिला की बात सुनी और इस मामले में हस्तक्षेप किया। जिसके बाद जो है पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक युवक जो है एक बच्चे को उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा अपडेट देने के लिए।